कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए आपके फॉर्म हाउस शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बिना किसी गलती के, लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो आपके फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मई 2022 लास्ट डेट है कि शाम के 5 बजे तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस की बात करें इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 650 रुपये फीस रखी गई है, और जो आपकी जनरल EWS OBC नॉन क्रीम लेयर के लिए 600 रुपये फीस है, SC ST PWD के लिए 550 रुपये फीस इसमें रखी गई है आपकी। देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेकंड वीक में, जो जुलाई 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा इसके लिए, अब मैं आपको इसके लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए गए, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है इसके लिए। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से रजिस्टर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्टर दिए गए, आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से अपना फादर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है, जो भी आपकी मदर नेम है 10th क्लास की डिटेल में वही डालना है आपको। उसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट साइज, वोटर आईडी, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इसका नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ से आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको फिलअप करना, अच्छे से फिलअप करना है। यहाँ से आपको कम्प्लीट एड्रेस आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद यहाँ से स्टेट यूटी, सभी स्टेट यूटी आपको दी गई है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको एक पिन कोड नंबर डालना है, जो भी आपका पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर आप अच्छे से फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी ई मेल आई डी डालनी है आपको, ई मेल आई डी वही डालें जो वैलिड हो। उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से ई मेल आई डी को कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप वो फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ से सेम बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, अच्छे से आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड कन्फर्म करेंगे पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपने फेवरेट बुक की है तो यहाँ पर फेवरेट बुक का नाम आपको डालना है। जैसे कि आपका पासवर्ड गुम हो जाता तो आप यहाँ से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालकर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना जो कोड है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन दिया गया, ये आपको फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू आपको दिखा देगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपका, उसके बाद यहाँ से आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस आपको दिखा देगा, स्टेट यूटी, पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है इस पर आपने क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ से जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था उसका आंसर आप शो नहीं किया इसमें। उसके बाद इन पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप सभी अच्छी हैं तो डिटेल यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से सबमिट एंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, देखिए जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया यहाँ पर आपको डाल देना है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे डालते हैं उसके बाद ये कैप्चा दिया गया, ये आपको फिलअप करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, मेरे पास मैसेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप वेरीफाई मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप दोबारा से ईमेल आईडी को अपने ही डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप करना है और यहाँ से आप वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे।
देखिए उसके बाद यहाँ से आप जैसे ईमेल आई डालते हैं उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आता हो, यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद इसको ओटीपी डालना है, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी ईमेल आईडी वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आना आपको, यहाँ से अपना फादर नेम की क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर डाल देंगे आप, जो भी आपकी फादर की क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर डाल देंगे। क्या करते हैं काम वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे आप। उसके बाद यहाँ से मदर की क्वालिफिकेशन डालनी है आपको। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपकी एनुअल इनकम, फैमिली के एनुअल इनकम वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, डोमिसाइल स्टेट स्टेक करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, रेजिडेंट्स यहाँ पर डालेंगे आप, अर्बन रूरल जिस भी क्षेत्र से आते हैं आप। उसके बाद यहाँ से आप सेल्फ स्टडी जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से एग्जामिनेशन जो भी आप लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना होगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट लेंगे सभी को। कश्मीरी है ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे आप, एक्स सर्विसमैन है ये सुनो अपने अकॉर्डिंग करेंगे आप, एनसीसी कोटा है ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे आप, सपोर्ट पर्सन है ये सुनो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, एम्प्लॉय ये सुनो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको समय से ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको आपको प्रीव्यू दिखा देगा जो भी आपने डिटेल डाली है, यहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए आपकी क्वालिफिकेशन से भी डिटेल आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है, किसी आपने 10th क्लास पास की थी वो यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से स्कूल अर्बन रूरल जिस भी क्षेत्र में स्कूल था आपको वो डाल देंगे, स्कूल कॉलेज ग्रामीण और गवर्नमेंट था प्राइवेट था अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम हुए थे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप स्टेट यूटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम हुए थे, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है आपको जो भी आपका बोर्ड था, यहाँ पर आपको सभी बोर्ड यहाँ सभी बोर्ड यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ एक बार, रुक जाना आप। देखिए उसके बाद यहाँ से आपको स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ से कोड डालना है आपको, उसके बाद यहाँ से अपना रोल नंबर डालना है, रिजल्ट यहाँ पर आप डालेंगे, परसेंटेज में था जीपीजे जो भी अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेंस मार्क्स यहाँ पर डालनी है आपको। उसके बाद यहाँ से आपके परसेंटेज जो है वो खुद उठा लेगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस टू की डिटेल डालनी है, कब आपने प्लस टू पास की थी, कब आपने प्लस टू पास की थी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्वालिफिकेशन स्कूल कॉलेज जिसमें क्षेत्र में था आपका यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्कूल प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी था अपने अकॉर्डिंग इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो भी एग्जामिनेशन स्टेट थी आपकी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट था, बोर्ड का नाम डालेंगे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, कोई भी बोर्ड जो भी आपका बोर्ड था वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल देंगे, सभी आपको यहाँ पर बोर्ड है वो दिए गए हैं आप चेक करके डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपका स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, कोड डालना है, प्लस टू का रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको परसेंटेज जैसे भी था अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेंस मार्क्स आपकी परसेंटेज ये खुद उठा लेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू आपको दिखा देगा क्वालिफिकेशन का, अच्छे से आप इसे चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे आप, जो भी आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आप डाल देंगे जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस बीएससी बीके बीए जिस भी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ से देखिए जो हरियाणा में दी गई है ये दी गई है, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू आपको दिखा देगा, कुछ एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस टू नेक्स्ट सेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से लैंग्वेज आप जो भी आप सब्जेक्ट है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे सभी को।
उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से सेक्शन टू में आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन थ्री को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेक्शन फोर डालना है, सेक्शन फाइव यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आएगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू आपको दिखा देगा, अच्छे से चेक कर लेंगे आप। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे आपको। उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट लेंगे। फिर फेंस जो आप एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से आप तीन एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। यहाँ पर आपको चार एग्जाम सेंटर दिए गए हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप अच्छे से डाल देंगे जहाँ पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ पर दिखा देगा, आपके एग्जाम आपकी एग्जाम सिटी दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ से 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट आपको PDF में अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू आपको दिखा देगा, यहाँ से आपका फ़ोटो, यहाँ से आपको इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से चेक कर लेंगे अपना नाम, फादर नेम सभी यहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। कैटेगरी आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छे से आप सभी को चेक करेंगे। इसके बाद ही सबमिट करना आपको, यहाँ से आप क्वालिफिकेशन 10th क्लास की प्लस टू की यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, यहाँ से आपके सब्जेक्ट दिखा देगा आपको कंप्लीट, आपको अच्छे से चेक कर लेना सभी को। उसके बाद यहाँ से आपके सिग्नेचर फ़ोटो, आपकी जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड किया आपने वो दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से सभी को, अगर आपके सभी अच्छी करेक्ट हैं तो यहाँ पर आप इनको टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे एक्सेप्ट करेंगे सभी को। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। देखिए जो इसमें आपकी टोटल फीस लगेगी 1300 रुपये फीस लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए इसमें। उसके बाद यहाँ से जिस भी बैंक से आप ATM जैसे चाहे, ऐसे कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, जिससे चाहे आप वैसे फीस अपनी पे करेंगे, जैसे स्टेट बैंक से करनी है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कैसे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI जैसे चाहे वैसे अपनी फीस आपको पे करनी। आप डेबिट कार्ड करते हैं तो आप किस में कोई चार्ज नहीं लगेगा, UPI से भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर नेट बैंकिंग से करते तो 5.6 रुपये आप किसी चार्ज लगेगा। जैसे चाहे वैसे अपनी फीस यहाँ पर आपको पे करनी है। देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे फ्यूचर के लिए। ऐसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।